लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रॉबर्ट शुलर ने कहा है कि कठिन समय अधिक समय तक नहीं रहता, लेकिन कठोर लोग रहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज आपको लगता होगा कि टीसीसी का कठिन समय आया हुआ है, और इस कठिन समय में जो लोग रह जाते हैं, जो लोग कट जाते हैं, वही लोग कामयाबी को प्राप्त होते हैं। 2009 में जब बिटकॉइन आया था, 2009 से लेके 2012-13 तक बिटकॉइन के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और जितने लोग जानते थे ना, वो सभी लोगों को पॉजिटिव करते थे, बोलते थे कि यार ये ना भविष्य की आने वाली क्रिप्टो करेंसी है, इसमें इन्वेस्ट करो। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाते थे, बड़े बड़े कारोबारियों के पास जाते थे, पर उन्हें क्या मिलता था? सिर्फ मायूसी। उनकी कोई सुनता नहीं था, कोई नहीं सुनता था। पर आज आप देखते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का बादशाह बिटकॉइन बन चुका है। सेम इसी तरह से टीसीसी के बारे में दुनिया जानेगी आने वाले समय में। इस चीज का मैं वादा करता हूं, इस चीज का मैं दावा भी करता हूं, क्योंकि जिस चीज पर आपको दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प होता है ना दोस्तों, वो चीज 100% होती ही होती है। अगर आपने अपना विश्वास ही खो दिया, अगर आपने ये सोच ही लिया, अगर आप हार मानकर बैठ गए कि यार ये तो कुछ भी नहीं होने वाला, फिर तो आप हमेशा एक फेलवर ही रह सकते हैं, क्योंकि एक फेलवर व्यक्ति ही निराशा की उस हद तक जा सकता है जो कि उसको निराश होके, हताश होके, उसको एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति बनाता हो। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है या एक हताश निराश व्यक्ति बनना है। आज के समय में अगर टीसीसी एक स्टेबल पॉइंट पे है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टीसीसी के अंदर आज के समय में बहुत कुछ चलने वाला है, तभी तो ये इस रेट पे स्टेबल है, रुका हुआ है। अगर लोगों का विश्वास टीसीसी के ऊपर नहीं होता, तो कब का ये मार्केट क्रैश कर गया होता, कब का? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी टीसीसी की एक शुरुआत भर है, और लोग ये सोचकर बैठे हैं कि टीसीसी का जैसे अंत आ गया हो। बहुत से लोग हैं, यही चीज हुई थी बिटकॉइन के साथ 2010 में, ठीक है। लोग सोचकर बैठ जाते हैं कि यार ये चीज मैंने ली और ये अब तो यार इसके तो दाम गिर गए। इथेरियम के साथ सेम ऐसा हुआ था। इथेरियम एक बार स्टार्टिंग के बाद एकदम से पहुंच गया था $40-50 पर एक इथेरियम, और $40-50 से वापस $1 का भी नहीं रह गया था इथेरियम, और बहुत समय तक ऐसा चला, तकरीबन 6-7 महीने तक इस तरह से चला, और एकदम से इसकी इतनी पॉजिटिविटी बनी, इतनी पॉजिटिविटी बनी मार्केट के अंदर कि आज आप देख सकते हो कि वो $450 से वापस $250-$200 पे आया है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आप कभी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका रेट कब आसमान छू जाए, कभी भी नहीं ये अंदाजा लगा सकते, और अभी तो शुरुआत है। आप ये बताइए कि टीसीसी के अलावा और कौन सी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसमें कोई भी नेटवर्किंग प्लान एक्सेप्ट किया जाता हो? मैक्सिमम एक या दो सुनी होगी आपने, इथेरियम जैसे ज्यादा सुनी होगा, या रिपल सुना होगा, इससे ज़्यादा आपने बिटकॉइन, इथेरियम या रिपल के अलावा किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर सुना होगा, तो वो है टीसीसी, द जेम कॉइन के बारे में। अभी तक 8 से 10 नेटवर्किंग कंपनीज आ चुकी है, और आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर 40 से 50 नेटवर्किंग कंपनीज टीसीसी के ऊपर आने वाली है। आप ये सोचिए ज़रा कि वो नेटवर्किंग कंपनी जो बंदे बना रहे होंगे, जो नेटवर्कर्स बना रहे होंगे,
उनका विजन क्या है, वो क्यों बना रहे हैं, क्या वो फ्री में बना रहे हैं, क्या उनका पैसा नहीं लगता? नहीं, उनको पता है कि TCC की पावर क्या है। पर आप लोगों को या तो भड़काया जा रहा है या धोखे में रखा जा रहा है। अच्छा, पहले तो उन सभी लोगों का डाउट क्लियर कर देते हैं जो क्वाइन मार्केट कैप की वजह से ही हताश हुए पड़े हैं। क्वाइन मार्केट कैप की वजह से ही अगर आप हताश हैं तो दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूं कि क्वाइन मार्केट कैप में TCC को रजिस्टर करके 100% दिखाएंगे। और आपको पता है कि अगर मैंने कोई वादा कर दिया और दिल से कर दिया तो चाहे जो मर्जी करना पड़े वो काम हम करके ही मानते हैं, चाहे कोई भी टेक्निकल ग्लिच हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे भी करना पड़े करके दिखाएंगे। कभी भी इस चीज़ से हम पीछे नहीं हटते कि हम आपने बोला हो और वो चीज़ ना की हो। इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए और इस चीज़ को भी अपने माइंड से निकाल दीजिए कि TCC अनलिमिटेड है। TCC अनलिमिटेड नहीं है। TCC की टोटल सप्लाई 20 करोड़ से स्टार्ट हुई थी, जो कि फर्स्ट माइनिंग रिटर्न के बाद अब 21 करोड़ समथिंग की हो चुकी है। इसकी APIs भी अभी आपके साथ जल्दी शेयर की जाएगी। लाइव रेट की API ऑलरेडी आपके साथ शेयर की जा चुकी है और बाकी रेट्स की API भी आपके साथ पूरी की पूरी मार्केट की API भी शेयर की जाएगी। ब्लॉकचेन भी शेयर किया जाएगा। एवरीथिंग यू विल गेट और क्वाइन मार्केट कैप भी रजिस्टर ज़रूर होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सोचिए आज जो रेट है और क्वाइन मार्केट कैप पे रजिस्टर होने के बाद क्या रेट होगा। और जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी के पंडित हैं ना, ये सभी अब TCC में आने वाले हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है यार, बहुत बड़ी, बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग चल रही है कि TCC को ग्राउंड लेवल पर, TCC को इंटरनेशनल लेवल पर, TCC को सोशल लेवल पर किस तरह से प्रमोट किया जाए। TCC में फॉरेन इन्वेस्टर्स किस तरह से आएंगे, TCC में नेटवर्क कंपनीज किस तरह से आएगी, इसकी शुरुआत अब होने वाली है। ये किसी भी प्रकार का कोई मतलब झूठ नहीं बोल रहा, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। और जिस पर्सन को विश्वास हो, आज भी वही कहूँगा, जिस पर्सन को विश्वास हो वो TCC के साथ बने रहे, जिस पर्सन को विश्वास ना हो वो TCC से आज और अभी के अभी निकल सकता है, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग बाद में परेशान हो जाते हैं फिर कि सर 15 दिन हो गए अभी भी नहीं हुआ, 20 दिन हो गए अभी भी नहीं हुआ। जब एक बात अगर हमने ठान ली कि होगा तो वो चाहे 20 दिन में हो, चाहे वो 15 दिन में हो, चाहे एक दिन में हो, चाहे एक महीने में हो, वो होगा जरूर। इस चीज का दृढ़ संकल्प है हमारे अंदर। और दूसरी बात, जैसे जैसे नेटवर्किंग कंपनीज आती जाएगी, TCC मार्केट आएगी, TCC रेफरल प्रोग्राम आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, TCC क्वाइन मार्केट कैप पर आएगा, तो कहाँ होगा TCC का रेट? इस रेट में मिल जाएगा क्या आपको? अरे क्या मजाक कर रहे हो यार, ये वैल्यू नहीं है TCC की, ये वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है TCC की। हो सकता है कि आज आपको बिल्कुल लगता हो कि यार TCC बेकार हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि ये एक साल के अंदर जो है ना ये रहेगा भी कि नहीं रहेगा। अरे मैं दिखाऊंगा आपको एक साल के अंदर TCC क्या होगा, TCC की औकात क्या होगी, TCC क्या ब्रांड होगा, मैं दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि हम जिस चीज़ की ठान लेते हैं ना और जिसके साथ चल देते हैं, फिर उसको बिना सक्सेस किए नहीं छोड़ते। फिर दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग TCC पर पूरा विश्वास बनाए रखिए। मैं आपके साथ हूँ, पूरा परिवार आपके साथ है, पूरा जहान आपके साथ ला के दिखा देंगे दोस्तों, सिर्फ विश्वास रखिए।